हेलो, इस वीडियो में हम होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो स्लाइड्स ग्रुप में हमारी फर्स्ट कमांड जो है न्यू स्लाइड की है। तो न्यू स्लाइड, ये पहली स्लाइड है हमारे पास। अगर हमें और स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये अलग अलग लेआउट आ जाएंगे। जिस भी लेआउट में हमें नई स्लाइड चाहिए वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो हमने ये स्लाइड, ये लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये लेआउट यहाँ पे सेकंड स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिखूँगा, बायस ज्ञान टेक, ये लिखा, ये टाइटल आ गया। सब टाइटल पे यहाँ पे अपना नेम लिखूँगा, यहाँ पे यशपाल सिंह, यहाँ पे सब टाइटल ये आ गया। ये हमारी सेकंड स्लाइड आ गई। तो ये स्लाइड आने के बाद अगर हम इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। मोर बटन पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, ये जो सेकंड है ये सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट बन के आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेकंड स्लाइड की ये जो डुप्लीकेट है ये आगे बन के आ जाएगी। तो इस प्रकार हम स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड भी बना सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारी कमांड है वो है लेआउट की। अगर हम चाहते हैं कि ये जो लेआउट है, ये फर्स्ट वाला स्लाइड का लेआउट, ये चेंज करना है। यहाँ पे ये जो लेआउट है टाइटल लिखने के लिए, सब टाइटल लिखने के लिए यहाँ पे है। अगर हमें ये लेआउट चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे, मोर बटन पे क्लिक करेंगे, ये अलग अलग लेआउट यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी लेआउट हमें चाहिए उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, वो लेआउट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट स्लाइड का ये लेआउट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो न्यू स्लाइड और लेआउट में फ़र्क यही है कि न्यू स्लाइड से नई स्लाइड बन के आ जाती है। तो इसमें न्यू स्लाइड में लेआउट इसमें भी यही होते हैं, और लेआउट में इसमें भी लेआउट ये अलग अलग इसमें भी सेम होते हैं। लेकिन न्यू स्लाइड में नई स्लाइड बन के आती है, लेकिन ये जो लेआउट है इसमें हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड का लेआउट चेंज किया, तो इस प्रकार यहाँ पे सेकंड कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं लेआउट का। यह हमारी अगली कमांड है रीसेट की। तो रीसेट कमांड को समझने से पहले हम क्या करेंगे, ये जैसे हमारे पास ये सेकंड स्लाइड है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से उठा के अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा और इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और ये नीचे ले आया यहाँ पे, तो इसकी सेटिंग अपने हिसाब से मैंने की स्लाइड की। अब अगर हम ये स्लाइड अगर जैसे थी वैसे ही रखनी है तो हम क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के बाद ये स्लाइड जैसे थी वैसे अपनी पोजीशन में आ जाएगी। ये देखो, यहाँ पे रीसेट पे क्लिक किया तो रीसेट पे क्लिक करने के बाद ये जो स्लाइड जैसी थी वैसे ही इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको, इस कमांड को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद ये अपनी पोजीशन में चली जाएगी। इसके बाद अगली कमांड हमारे पास सेक्शन की है। तो सेक्शन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे शेप्स वगैरह यहाँ पे बनाएंगे। तो इसके लिए इन स्लाइड को पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। जैसे ये थर्ड स्लाइड है, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे इसको डिलीट किया, ये डिलीट ऑप्शन पे गए, ये डिलीट हो जाएगी। सेकंड स्लाइड को भी यहाँ पे डिलीट करेंगे, जैसे ये डिलीट, ये भी डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद यहाँ पे इसका लेआउट चेंज करेंगे, यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे, ब्लैंक, ये ब्लैंक बन गई। अब ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है, अगली स्लाइड चाहिए ब्लैंक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरी आ जाएगी।
अगर कीबोर्ड की शॉर्टकट की हमने यहाँ पे यूज़ करनी है तो कंट्रोल एम, यहाँ पे अगली स्लाइड, इसके बाद इससे अगली चाहिए ये कंट्रोल एम, इसके बाद अगली कंट्रोल एम, या यहाँ से चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके ये ब्लैंक ये अगली आ जाएगी। तो इस प्रकार ये अलग अलग यहाँ पे स्लाइडें बन के आ जाएंगी, ये सभी ब्लैंक स्लाइड हैं। अब फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे ये सेक्शन को समझने से पहले हम यहाँ पे स्लाइड फर्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई शेप लेंगे, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड पे हमने शेप ली, ये फर्स्ट स्लाइड पे ये शेप यूज़ की हमने। अब सेकंड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सेकंड शेप यहाँ पे बनाई, ये बन के आ जाएगी। अब थर्ड, यहाँ पे कौन सी शेप चाहिए, ये चाहिए तो ये शेप यहाँ पे बनाई, ये थर्ड। ये फोर्थ के लिए यहाँ पे और चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए तो हमने ये यहाँ पे क्रिएट की। ये क्रिएट करने के बाद फिफ्थ पे हमें और चाहिए, यहाँ पे जैसे ये शेप चाहिए, यहाँ पे ये शेप बनाई। इसके बाद अगले ये जो सिक्स्थ स्लाइड है हमारे पास, इसके लिए शेप चाहिए तो इसके लिए शेप हमने यहाँ पे ये शेप यहाँ से क्रिएट की। तो ये अलग अलग शेपें हमने यहाँ पे बना दी। इसके बाद क्या करना है, हमने सेक्शन कमांड के ऊपर जाना है, जाने के बाद ऐड सेक्शन। तो यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पे सेक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, यहाँ पे क्लिक किया, इसकी ये एक सेक्शन, ये दूसरी सेक्शन बननी चाहिए। तो ये यहाँ पे जाएंगे, हम सेक्शन पे जाएंगे, ऐड एड सेक्शन सेक्शन, यहाँ पे जाएंगे। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेक्शन नेम, यहाँ पे आया हुआ है अनटाइटल्ड सेक्शन, तो यहाँ पे इसको अपने हिसाब से यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम यहाँ पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पार्ट टू नेम दिया, ये पार्ट टू, इसके बाद रीनेम किया, रीनेम करते यहाँ पे पार्ट टू ये बन के आ जाएगा। ये फिर पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिफ्थ और सिक्स्थ स्लाइड को हम ये पार्ट थर्ड में रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए, इसके बाद सेक्शन पे गए, ऐड सेक्शन, यहाँ पे ये हमारे पास अनटाइटल्ड सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फिर पार्ट, इसके बाद थर्ड यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया। तो ये पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इसके बाद ये हमारा ये डिफॉल्ट सेक्शन है। यहाँ भी इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट यहाँ पे हमने लिखना है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे रीनेम सेक्शन, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, रीनेम सेक्शन। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट फर्स्ट, और इसको रीनेम कर दिया। तो ये पार्ट फर्स्ट ये हमारे पास ये बन के आ गया 1 2, ये पार्ट सेकंड पे 3 4 स्लाइड बनाए, और ये आगे पार्ट थर्ड पे हमने क्या किया, फिफ्थ और सिक्स स्लाइड यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे पार्ट कर दिया, इसको सेक्शन, यहाँ पे हमने अलग अलग सेक्शन यहाँ पे बना दी। बनाने के बाद अगर हम इसको पार्ट वन को कोलैप्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कोलैप्स हो जाएगा, ये को ये पार्ट फर्स्ट यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। सेकंड को भी अगर कोलैप्स यहाँ पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी कोलैप्स हो जाएगा। पार्ट थर्ड को भी अगर कोलैप्स करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी कोलैप्स हो जाएगा। अगर यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं पार्ट फर्स्ट को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट जो है एक्सपेंड हो जाएगा। सेकंड को करना है तो हम सेकंड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये एक्सपेंड हो जाएगा। अगर थर्ड को एक्सपेंड करना है तो हम थर्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये थर्ड एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये हमारी सेक्शन है, इनको हम कोलैप्स भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं।
यहाँ पे सेक्शन पे जाएंगे, अगर हमें सारे ये कोलैप्स करने हैं सभी एक साथ, तो हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कोलैप्स आर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सभी कोलैप्स हो जाएंगे। अगर एक्सपेंड करने हैं सभी ये, तो हम सेक्शन पे जाएंगे और एक्सपेंड ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सभी यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हम सेक्शन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।